करते हैं मैंने उनके एक क्लास पहले भी लिया है और डेफिनेटली मैंने अपने लाइफ में चेंजिंग देखे हैं उनको फॉलो करते हुए डॉक्टर अमित महेश्वरी इतनी एनर्जी लगाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने अपना जो भी मैं प्रोफेशन करता हूँ उसमें भी मुझे अपनी एनर्जी पूरे के तरीके से लगानी चाहिए यहाँ पर आने से मुझे मेरे पर्सनल प्रोफेशन के अंदर भी कम से कम सात तो आठ लोग मिल गए तो शायद मेरे फ्यूचर क्लाइंट्स बन जाए अमित महेश्वरी की एक बात सबसे अच्छी ये लगी कि अभी तक उन्होंने जितनी भी ट्रेनिंग्स या जितने भी सेमिनार किए हैं वो सारे उनके प्रैक्टिकल अनुभव पे बेस है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी एंड मैं सी ई फाउंडर डायरेक्टर हूं मेटास ओवरसीज लिमिटेड का जो कंपनी स्टेनलेस स्टील मॉडलो किचन के मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है हमारी इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में बहुत सारे मॉडलो किचन्स के शोरूम हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी हमने हमारी इंडस्ट्री में ऐसे रेवोल्यूशन किए ऐसी नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जिसकी वजह से हमारा कॉम्पिटिटर हमारे सामने ध्वस्त हो गया और हमने एक बहुत बड़ा पेनिट्रेशन मार्केट में अपना बना लिया आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं डीलरशिप बिजनेस करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कंपटीशन को फेस नहीं किया हमने जिस तरह के कंपटीशन को फेस किया वो सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कैसे हम उन कॉम्पिटिशन को पार करते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़े इस विषय पर हम बात करने वाले हैं तो बात करते हैं हाउ टू बीट योर कॉम्पिटिटर ऐसा हम क्या करें कि हमारे कॉम्पिटिटर हमसे हार जाएँ या हम पूरी भीड़ में एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को लेते हुए अपने बिजनेस को एस्टाब्लिश करें और एक्सपेंशन की ओर ले जाते हुए पूरे भारतवर्ष पर नहीं पूरे विश्व में अपने बिजनेस को आसानी से फैला सकें तो सबसे पहली बात कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अभी क्या है कि बिजनेस में ना कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बिजनेसिस ऐसे हैं जहां पर जो कॉम्पिटिशन का वॉर है ना वो प्राइज को लेकर है वो कॉस्ट को लेकर है तो जहां पर कॉस्ट और प्राइस को लेकर वॉर होता है वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इनक्रीज़ करना जब रॉ मटेरियल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है क्यों क्योंकि वहाँ पर प्राइज़ वॉर होता है और दो कॉम्पिटिटर आपस में या अधिक कॉम्पिटिटर आपस में प्राइज़ वॉर के पीछे लगे रहते हैं हर व्यक्ति एक दूसरे के प्राइस को बीट करने पर लगा रहता है जिसकी वजह से प्राइस जो उस प्रोडक्ट का होना चाहिए उससे लोअर सेगमेंट में चला जाता है और लोअर सेगमेंट में जाने की वजह से लो मार्जिन वहां पर होना शुरू हो जाता है और आप जानते हैं कि एक बिज़नेस को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए गुड मार्जिन प्लस एक वॉल्यूम ऑफ सेल चाहिए होता है ताकि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर कर सकें लेकिन अगर आपका मार्जिन लो होता चला जाए तो धीरे 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 क्या होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करना मुश्किल हो जाएगा बिज़नेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा और एक बार अगर बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाए ना तो समझ लीजिए उसके डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है तो ऐसे में हमें करना क्या है जहां पर प्राइज़ वॉर होता है वहां पर हमें कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है जब से लो कॉस्ट एनालिसिस हमें क्या करना है अपने बिजनेस में ये देखना है कि कौन कौन से ऐसी कॉस्ट हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे ऑपरेटिंग खर्चे हैं जिनको हम हटा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम घटा सकते हैं घटा सकते हैं का मतलब क्वालिटी में नहीं स्टैंडर्ड में नहीं स्पेसिफिकेशन में नहीं कॉस्ट में तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो टीम है वो लो बजट पर हाई प्रोडक्टिविटी करें उसके लिए ज़रूरत है आपकी टीम को अपग्रेड करने की आपकी टीम को ट्रेन करने की आपकी टीम की एफिशिएंसी बढ़ाने की और वो केवल तभी संभव है जब आप अपनी कंपनी में कुछ ऐसा करें कि आपकी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे वो क्या हो सकता है वो इंसेंटिव सिस्टम हो सकता है और क्या हो सकता है वो अपनी कंपनी में अपने इम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग हो सकती है उनको मोटिवेट रखने के लिए ट्रेनिंग वीडियो शेयर करना ट्रेनिंग कॉन्टेंट उनको देना या ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करना जिसकी वजह से हमारी टीम की एफिशिएंसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा तो बिना प्राइस में चेंज किए भी आप आसानी से कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है जब आप बल्क बाइंग करते हैं आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं अगर वो छोटी छोटी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हर बार क्वांटिटी बाय करने पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है आने जाने का समय लगता है लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज लगता है अगर आप बल्क बाइंग करते हैं तो पहली बात आपको मटेरियल सस्ता मिलता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती पड़ती है और आसानी से आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा सकते हैं तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना कर आप आसानी से लो कॉस्ट कॉम्पिटिशन को फाइट कर सकते हैं क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर लिया है जिसकी वजह से आप आसानी से प्राइज वॉर में जीत सकते हैं तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कॉस्ट कंपटीशन जब भी हो प्राइस वॉर जब भी हो आपको फोकस करना है कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम घटा सकते हैं तो आप आसानी से अपने कॉम्पिटेटर को बीट कर सकते हैं दूसरा क्या होता है इनोवेशन कॉम्पिटेटिव बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है हमेशा आगे वो रहेगा जो अच्छा इनोवेशन करेगा जैसे अगर हम एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल जो कंपनी है वो इनोवेशन बेस्ड कंपनी है मतलब इनकी जो जीत है ना वो इस बात पर है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं साथ ही साथ इनोवेशन लगातार करते रहते हैं अपने ही पुराने मॉडल को बीट करते हुए नए मॉडल मार्केट में लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से लोग अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं और आसानी से सेल को ग्रैप कर लेते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस इंडस्ट्री में कौन टॉप लीडिंग कर रहा है लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस इनोवेशन बेस्ड इंडस्ट्री में आसानी से इनोवेशन को अडॉप्ट करते हुए उनके मार्केट शेयर को बीट कर देता है जैसे अगर मैं बात करूं सैमसंग की तो सैमसंग भी एक इनोवेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है लेकिन अगर दोनों की कॉस्ट में बात करूं तो ये हायर कॉस्ट का प्रोडक्ट है और ये लोअर कॉस्ट का प्रोडक्ट है तो इनोवेशन तो सैमसंग भी करता है इनोवेशन करने के साथ साथ आप ज्यादा मार्केट को कैप्चर भी कर सकते हैं अगर मैं एप्पल कंपनी की बात करूं तो तीन परसेंट मार्केट शेयर है टेलीकॉम इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंडस्ट्री में एप्पल का तीन परसेंट शेयर है और सैमसंग का फोर्टी टू परसेंट शेयर है तो यहां पर जीत जो है सैमसंग की जबकि बड़ा ब्रांड कौन सा है एपल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रांड पोजिशनिंग कहां आपकी आ रही है फर्क इस बात से पड़ता है कितना मार्केट में आसानी से पेनिट्रेशन कर पा रहे हैं सैमसंग क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि सैमसंग की रेंज के कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स इनोवेशन नहीं कर पा रहे कंपैरेटिव टू द सैमसंग इसीलिए अगर आप इनोवेटिव कॉम्पिटेटिव मार्केट में हैं तो आपको हमेशा अपने इनोवेशन को अपग्रेड करना होगा जैसे हमारे मॉडलो किचन इंडस्ट्री में हमें रेगुलर अपने प्रोडक्ट को उनकी डिजाइनिंग को उनके पैटर्न को उनके स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना होता है जिस वजह से हम पूरी इंडस्ट्री को आसानी से लीड कर पाते हैं नेक्स्ट जो कॉम्पिटिशन होता है ना वो कॉम्पिटिशन होता है सोल्यूशन बेस्ड कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री अभी कई बार क्या होता है जैसे अगर हम कंपेरिजन करें मान लीजिए एयरटेल और रिलायंस कुछ समय पहले रिलायंस का सिम चलता था तो एयरटेल में क्या है आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री है ना वहां पर जो टेलीकॉलर हैं वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं और यहां पर क्या होता था जब उनके कॉल सेंटर में कॉल करते थे तो प्रॉपर बात ही नहीं हो पाती थी जिसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट एयरटेल की तरफ तेजी से बढ़ता चला गया और कस्टमर ट्रस्ट जब एयरटेल की तरफ बढ़ने लगा तो ऑटोमेटिकली रिलायंस की सेल घटना शुरू हो गई यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है अगर आप सोल्यूशन बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो सबसे पहली बात आप कुछ ऐसा करें जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं जैसे मेक टू ऑर्डर आज बहुत सारी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो यूनिवर्सल है लेकिन कुछ कंपनीज क्या कहती है कि हमने आपके लिए इनोवेशन किया है हमने आपके लिए प्रोडक्ट को अपग्रेड किया है और हम आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन क्या है मेक टू ऑर्डर जैसे गोदरेज जैसी कंपनी रेडीमेड फर्नीचर बनाती है लेकिन जो हमारी कंपनी मेटास मार्केट में आई तो गोदरेज हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था तो हमने उस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए हमने मेक टू ऑर्डर का कॉन्सेप्ट निकाला कि जो चीज़ आप गोदरेज की फिट नहीं कर पा रहे हैं वो मेक टू ऑर्डर कॉम्पिटेटिव प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के साथ हम आपको मेक टू ऑर्डर देंगे तो बहुत सारा क्लाइंट जिसको मेक टू ऑर्डर चीज चाहिए थी वो हमारे शोरूम की तरफ डाइवर्ट होने लगा नेक्स्ट कस्टमाइजेशन मेक टू ऑर्डर इज द वन थिंग कस्टमाइजेशन मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट समटाइम मेक टू ऑर्डर कस्टमाइजेशन एक जैसा समझते हैं लेकिन कस्टमाइजेशन का मतलब है कि उस समय पर जो प्रोडक्ट उन्होंने फाइनल किया उसमें क्या कस्टमाइज हम कर सकते हैं मतलब चेंजेस ऑन द साइट हम क्या कर सकते हैं तो हमने कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया होम डिलीवरी बहुत सारे केसेस में प्रोडक्ट ऐसा होता है बहुत सारी कंपनी कहती है हमारे यहाँ आओ खरीदो और ले जाओ लेकिन अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है होम डिलीवरी की ऑप्शन देनी है बहुत सारे लोग अपनी लिमिटेड टेरिटरी तक देते हैं जैसे पांच किलोमीटर दस किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर तक तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट में क्या रेशियो ऑफ मार्जिन है जहां पर आपका कॉम्पिटिटर होम डिलीवरी नहीं दे रहा पर आप देने के बाद आसानी से उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑन डिमांड कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जब कस्टमर उसका ऑर्डर प्लेस करता है उसके कुछ दिन बाद वो डिलीवर किए जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जब कंज्यूमर को जरूरत होगी तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो गोदरेज जैसी कंपनी के साथ कंपटीशन फाइट करने में हमने इस चीज को देखा कि हम प्रोडक्ट ऑन डिमांड प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हम वो मार्केट शेयर लेकर जा रहे हैं जो मार्केट शेयर दूसरी कंपनी के के पास नहीं है आफ्टर सेल सर्विस बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं जहां कंज्यूमर को तुरंत सर्विस चाहिए जैसे मॉडुलर किचन है अगर मान लीजिए मॉडुलर किचन में हॉब बर्नर काम करना बंद कर दे तो आप शाम की शाम का खाना तो छोड़िए सुबह की चाय भी नहीं पी पाएंगे तो यहां पर कंज्यूमर को क्या चाहिए आफ्टर सेल सर्विस और जो कंपनी जितनी फास्ट आफ्टर सेल सर्विस दे पाएगी उसका कस्टमर बैंक उतना बढ़ता जाएगा कस्टमर की लॉयल्टी ब्रांड के प्रति बढ़ेगी जिसकी वजह से आपका लॉयल कस्टमर होगा और लॉयल कस्टमर है तो वो रेफरेंसेज जरूर देगा तो हमने फोकस किया आफ्टर सेल सर्विस पर जिसकी वजह से हमारा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता चला गया हमारे कस्टमर का सेटिस्फाइड कस्टमर का रिकमेंडेशन नए लोगों के प्रति ज्यादा बढ़ता चला गया और हमें अच्छे रेफरेंसेज मिलना शुरू हो गए तो सॉल्यूशन बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह काम करते हैं तो भी आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को आउट कर सकते हैं आज बहुत सारी कंपनी आफ्टर सेल सर्विस पर फोकस करती है जैसे आप देखिए लिफ्ट बनाने वाली कंपनी जो होती है ना वो बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन जो कंपनी सबसे फास्ट सर्विस दे पाती है मान लीजिए कोई पैसेंजर लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा है और उसमें फंस जाता है तो यहां पर चाहिए क्विक सर्विस और जो कंपनी सबसे फास्ट सर्विस दे पाएगी उसी का रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा होगा और लोग उस ब्रांड पर ट्रस्ट करेंगे ठीक ऐसे ही हमने आफ्टर सेल सर्विस के माध्यम से अपनी कंपनी में ये सिस्टम uh, डेवलप किया कि कंज्यूमर का फेथ हमारे ब्रांड के प्रति हो जाए इसीलिए बहुत कम समय में हम भारत की एक जानी मानी कंपनी बन पाए जो स्टेनलेस स्टील मॉडलोकेशन के मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है उसके बाद सेल्स कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी है कई बार क्या होता है कि आपका कॉम्पिटिटर एक लिमिटेड दायरे में होता है मान लीजिए मैं दिल्ली के पीतमपुरा लोकेशन पर बैठता हूँ मेरा यहाँ पर शोरूम सेटअप है और मेरा जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आसपास यहाँ शोरूम चलाते हैं तो मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो पीतमपुरा के टेरिटरी में मुझे कॉम्पीट कर पाएंगे लेकिन अगर मेरे सेल्स का वॉल्यूम बड़ा है मेरी टेरिटरीज बिल्कुल डिफरेंट 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 एरियाज में हैं तो वो एक जगह पर बीट कर सकते हैं पर हर जगह पर नहीं क्यों क्योंकि मैंने क्या किया अपने सेल्स पार्टनर का नेटवर्क डेवलप कर लिया हमारी कंपनी में बहुत अधिक फ्रेंचाइजी शोरूम्स हैं मास्टर फ्रेंचाइजी शोरूम है डीलरशिप शोरूम है एसोसिएट पार्टनर है है, है अब ये चैनल पार्टनर इतने सारे चैनल पार्टनर के थ्रू सेल्स पार्टनर के थ्रू हमें बहुत अधिक ऑर्डर्स आते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटर तो हमारे एक यूनिट पर फाइट करता है लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल से सेल्स को ग्रैप करते हैं जिसकी वजह से सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है और कॉम्पिटिटर हमसे हार जाता है नेक्स्ट ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म आज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं या लोग वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया एक्सपोर्टर इंडिया अली बाबा फ्लिपकार्ट एमेज़ोन ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमें बहुत सारी लीड जनरेट होती हैं गूगल एडवर्ड तो हमारा कॉम्पिटिटर हर उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँच पाता जिस प्लेटफॉर्म तक हम पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम सेमिनार वर्कशॉप्स वहाँ पर भी तो हमारा कहीं ना कहीं प्रमोशन चलता ही है जिसकी वजह से हमारा कॉम्पिटिटर वो नहीं कर पाता जो चीज़ हम कर लेते हैं तो हमें ऑनलाइन सेल्स प्रेजेंस का बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंने आपको बताया पूरे इंडिया में हमने फ्रेंचाइजी शोरूम डीलरशिप शोरूम एसोसिएट पार्टनर मास्टर फ्रेंचाइजी ये मॉडल डेवलप किए हुए हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा हो गया तो हम किसी भी बिजनेस को लेकर अपने प्रोडक्ट को लेकर एडवर्टाइज ऑल इंडिया लेवल पर कर सकते हैं तो हमारे पास लीड जनरेशन भी ऑल इंडिया से होता है जब ऑल इंडिया से लीड जनरेशन होता है तो हमारा कॉम्पिटेटर तो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में एक यूनिट से कॉम्पीट करता है पर ऐसी बहुत सारी यूनिट हमारे पास हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने की वजह से हम हमारे कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटेटिव बीट कर पाते हैं और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का फायदा ले पाते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी कॉम्पिटिटर के पास बैंगलौर से कोई कॉल आया और बैगलौर में उनका कोई शोरूम नहीं है डिस्प्ले नहीं है तो वो तो इंक्वायरी मिस हो जाएगी लेकिन वो कंज्यूमर ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्च करेगा और पाएगा मेटास लाइफ स्टाइल तो आसानी से वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगा और उस कॉम्पिटेटिव लीड का बेनिफिट हम ग्रैप कर सकते हैं उसके बाद मल्टी वेंडर साइट फ्रेंड्स आज एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल चुका है कि लोग जरूरी नहीं कि अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएं आप बने बने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करें क्योंकि आप अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट की बहुत अधिक मार्केटिंग नहीं कर सकते पर जो ऑलरेडी बने बनाए मल्टी वेंडर साइट हैं वहां पर प्रमोशन बहुत अधिक हो रही होती है गूगल पर बहुत अच्छे से रैंक कर रहा होता है बहुत अधिक उनके एड कैंपेन चलते हैं जिसकी वजह से उनकी साइट पर ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है और जहां पर ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है सब सारा लीड्स भी वहां से आती हैं तो आपको क्या करना है मल्टी वेंडर साइट्स पर जाना है जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो आपकी इंडस्ट्री से संबंधित कौन सी साइट है वो आप सर्च करें और वहां पर अपने प्रोडक्ट को जरूर लिस्ट करें क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपका हर कॉम्पिटेटर आपको हर जगह मिलेगा एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन करें अगर आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका कॉम्पिटेटर भी वहाँ पार्टिसिपेट करेगा एग्जीबिशन के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस के प्रमोशन के लिए बहुत अधिक प्रोग्राम्स करती है उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें तो आप ऐसे नेटवर्क पर आएंगे जहाँ आपका कॉम्पिटेटर नहीं पहुँच पा रहा है और जब आप इन स्ट्रेटेजीज को लगाएंगे तो आसानी से मेटास ओवरसीज लिमिटेड के स्टेनलेस स्टील मॉडलो की तरह आप भी अपने बिजनेस का नेटवर्क बड़ा करते जाएंगे और कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस को लेते हुए अपने कॉम्पिटेटर को बीट कर पाएंगे इसके अलावा आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न हो ना बिजनेस की ग्रोथ को लेकर तो सबसे पहले तो मेरी एक बात को समझ लें कि इस चैनल पर सबसे ज्यादा बिजनेस लर्निंग नॉलेज रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी इंडस्ट्री में वो आपके लिए लेकर आते हैं इसीलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे इतना कि आपके कॉम्पिटिटर के पास इसके अलावा आपके मन में बिजनेस को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत